सब्सक्राइब करें बालियन किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करौंदे के अचार की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने थोड़े से करौंदे लिए हैं, ये 500 ग्राम के करीब होंगे, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और इनको सुखा दिया है पंखे में, ताकि इनका जो सारा पानी है वो सूख जाए। तो अब इनको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से करौंदे को हम कट कर लेंगे। एक अगर छोटा पीस है तो उसके दो पीस करेंगे, नहीं तो बड़ा है तो उसके हम चार पीस कर लेंगे, और उसके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। ये बीज को मैं एक कटोरी में रख लेती हूँ, और इसी तरह से ये सारे करौंदे जो हैं हम कट कर लेंगे। और बीज अगर पक्का है, अंदर से ब्लैक है, तो उसको हमें निकालना ज़रूरी है। अगर वाइट ही है तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो कच्चा ही होता है, उसको खा सकते हैं, उससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह का ये देखिए जो मैं निकाल रही हूँ ना, ब्लैक कलर का, अगर इस तरह का सीड निकल रहा है तो उसको निकालना ज़रूरी है, इससे थोड़ा कड़वा हो जाता है अचार। इसको निकाल देंगे। और इसी तरह से ये सारे जो करौंदे हैं मैं कट कर लूँगी, इनके सब के बीज निकाल लूँगी। करौंदे का अचार जो है गैस बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको आप ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास अभी मिल रहे हैं मार्केट में आपको, तो आप ज़रूर बना के देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए मैंने सारे करौंदे जो है कट कर लिए हैं। इनको अब मैं जो है 1 से 1.5 घंटा धूप में रखूँगी। तेज़ धूप निकली हुई है आज, तो तेज़ धूप में ही इनको रखना है। अगर धूप कम है तो इनको 2-3 घंटे रखेंगे। और जब तक हमारे करौंदे सूखते हैं, तो यहाँ पे मसाला हम रेडी कर लेते हैं अचार का। तो ये एक पैन रख लिया है मैंने गैस पे, इसमें डाल देंगे साबुत धनिया, सौंफ डाल देंगे, ये मेथी दाना लिया है मैंने ये डाल देंगे। जीरा, और ये मैंने 5-6 लाल मिर्च ली है। और अब जो है हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे, और इसको जो है थोड़ा सा इनको हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, कलर भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही भूनना है, ताकि ये थोड़े से गर्म हो जाएं अच्छी तरह से। जब हम इनको पीसेंगे तो अच्छी तरह से पीस जाएं, बहुत बस मुश्किल से 5 से 6 मिनट हमें इसको इस तरीके से हम इसको भून लेंगे मसाले को। और वैसे तो गाइस मैं अचार का जो मसाला है वो रेडी करके रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मैंने ये आपको बना के दिखाया है कि मैं आपको कैसे तैयार करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया है। वैसे एक पूरी अलग से वीडियो भी मैं डाल दूँगी अचार के मसाले की, बहुत ही जल्दी मैं ये वीडियो बनाऊँगी अचार के मसाले की। तो ये जो है मसाला हमारा भुन गया है, और अब हम जब ये भुन जाए मसाला, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर दें, तो उसी समय हम जो है इसमें डालेंगे पीली सरसों। जैसे काली सरसों होती है ना, ऐसे पीली सरसों होती है, इससे अचार का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो ये डाल देंगे, इसको हमें भूनना नहीं है, बस गैस की फ्लेम ऑफ करके उसके बाद डालना है। और अब हम मसाले को जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे।
और ये देखिए मसाले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तब तक जो है हम अचार में डालने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। अचार में जब भी तेल डालें आप, उसको जो है पहले उसको गरम कर लें, खूब अच्छे से गरम करना है, इतना गरम जिसमें कि हम पूरी बना सके, इतना गरम उसको करना है। तो ये मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको डाल दिया है पैन में। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसको मैं पका के रख लूँगी, बाद में कोई और अचार डालना हो तो उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो तेल में अच्छे से उबाल आने देंगे, खूब अच्छे से जब ये गरम हो जाएगा तो हम जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को भी ठंडा होने देंगे। और जब अचार सूख जाएगा 1 से 1.5 घंटे बाद, ये देखिए अचार सूख गया है और इसको मैं ले आई हूँ नीचे और बिल्कुल ये ड्राई सा हो गया है, इसका बिल्कुल जो मॉइस्चर है इसमें वो ख़त्म हो गया है। और ये मसाला भी मैंने पीस लिया है, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा रखा है। और इस मसाले को जो है थोड़ा सा जितना मुझे चाहिए मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ, बाकी को फिर मैं एक डब्बे में डाल के रख लूँगी। और करौंदे को जो है हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि अचार का मसाला और तेल हम जब डालेंगे तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो अब हम जो है करौंदे पे मसाला डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने मसाला रेडी किया था वो डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा सा जो है अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें अच्छा लगता है अचार में, ऐसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी डाल दी है मैंने, नमक डाल दिया है और मसाले जो है मैंने कितने डाले हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है हींग डाल देंगे, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है क्योंकि थोड़ा सा अचार जो है चटपटा सा हो तो ही अच्छा लगता है। और अब इसमें तेल डाल देंगे, तेल भी हमारा ठंडा हो गया था तो अब तेल डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पहले मिक्स करके देख लेंगे, अगर कम हुआ तो इसमें थोड़ा तेल हम और डाल लेंगे। और ये देखिए तेल जो है बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इतना ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल मैं नहीं डालती हूँ। और ये जो अचार है गाइस जैसे हम धूप में सुखा के डालते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, इसमें हमें कोई भी जैसे कुछ लोग सोडियम बेंजोएट डालते हैं तो वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको मैं अब जार में डाल के रखूँगी और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। आप भी इसी तरीके से एक बार बना के देखें अचार तो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी इसका कितना अच्छा आया है, जैसे कि हम मार्केट से अचार लाते हैं ना उसका जो कलर होता है बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका अचार कैसा बना और वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो बेल आइकन होती है ना तो उसको भी प्रेस करें, उससे होता क्या है कि आपको जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाती है।